अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने स्टाइल में चाय बनाने का तरीका बताऊंगी। सुबह नाश्ते के टाइम पे आपके टेबल पे अगर टेस्टफुल और अच्छी चाय ना हो तो नाश्ते का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है, क्योंकि वो चाय ही होती है जो आपको पूरा दिन चुस्त रखती है, आपको काम करने में मदद देती है, वरना आप सारा दिन फिर चुस्त नहीं रहते, सुस्ती ही पड़ी रहती है। तो अगर चाय कड़क हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और कड़क चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चाय बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और एक सॉस पैन लूँगी और इसके अंदर मैं 1 कप पानी डालूंगी। हम यहाँ पे सबसे पहले इसका कावा बनाएंगे। कावा बनाने का ये फ़ायदा है कि जो चाय है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी और मज़े की बनती है, जिससे आप एकदम से चुस्त हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं पत्ती डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 4 टीस्पून पत्ती डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 4 कप चाय के बना रही हूँ, यानी कि 1 कप का आपने 1 टीस्पून जो चाय की पत्ती है वो डालनी है। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये कावा जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। बगैर कावे की भी चाय बनती है, लेकिन मैं आपको आज ये वाली बनाना सिखा रही हूँ और किसी दिन मैं आपको दूसरी बनाना भी सिखाऊंगी। डालने के बाद हम इसको पकने देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसका जो कावा है वो बनने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका कावा बनना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं 4 कप जो है दूध डाल दूंगी और दूध हमें तब डालना है जब कावा जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। दूध डालने के बाद अब आपने इसको फेंटना है, इतना फेंटना है कि इसके ऊपर झाग आना स्टार्ट हो जाएगी। और जितना आप इसको अच्छे से फेंटेंगे ना, उतनी ही मज़े की हमारी चाय बनेगी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आना स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ही मज़े की चाय बनती है इस तरह से फेंटने से। चाय तो सबको बनानी आती है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते कि कौन सी चीज़ किस टाइम ऐड करनी चाहिए। वो हर चीज़ एक ही दफ़ा ऐड करके तो चूल्हे पे रख के चाय को चले जाते हैं और जब वाला आता है तो डाल कर पी लेते हैं। हालांकि ये चाय नहीं होती। सही चाय का जो मज़ा है वो है इस तरह से बनाने में। और जब हम कावा बना रहे होते हैं ना, तो उसकी खुशबू जो फैलती है ना, वो दूसरी चाय की नहीं आती, क्योंकि इतनी मज़े की इसकी खुशबू आती है ना इस चाय की जब हम कावा बनाते हैं। बस आपने जब तक थकना नहीं ना है, उसको बस फेंटते जाना है और ये बहुत ही मज़े की चाय बन जाएगी। तो देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आ चुकी है, मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है। अब हम इसको उबालने का वेट करेंगे। उतनी देर यहाँ पे मैं साइड पे शामी कबाब भी बना रही हूँ। चाय के साथ हम यहाँ पे शामी कबाब भी लेंगे और इसका भी बहुत मज़ा आता है चाय के साथ खाने का। और अक्सर मैं चाय के साथ शामी कबाब के सैंडविच भी बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पे दे रही हूँ, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फैमिली में वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इनकी साइड चेंज कर लूँगी मैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये बिल्कुल फ्री है और इससे हमें हौसला अफजाई होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे शामी कबाब भी रेडी हैं, हम इनको भी निकाल लेंगे और उधर देखते हैं हमारी चाय का क्या हाल है। जब चाय के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो तो तब इसके अंदर 2 अदरक सब्ज़ इलायची डाल दें छोटी, और साथ में ही चीनी, शक्कर या फिर गुड़ जो आपने डालना हो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शक्कर डाल रही हूँ, तो मैं 4 टीस्पून ही इसके अंदर शक्कर डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे पत्ती के साथ ही चीनी, शक्कर या गुड़ ऐड क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम साथ में ऐड कर देंगे जो पत्ती का अपना टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है और साथ में इसका जो रंग होता है ना वो भी अच्छे तरीके से नहीं निकल पाता। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब इसके अंदर उबाला आना स्टार्ट हो तो अभी आप इसके अंदर चीनी, शक्कर या गुड़ जो भी आपने डालना हो तब डालिएगा। ये सबसे मेन टिप है इस रेसिपी की। आप जब भी इसको बनाएं तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप अपनी चाय के अंदर एक मेन डिफरेंस फील करेंगे इस चाय के बाद। तो देखिए, यहाँ पे चाय को भी उबाला आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 से 2 उबाला आने देंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इस टाइम जो खुशबू आ रही है ना चाय की, वो मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि इस टाइम जो खुशबू आती है ना वो कितनी मज़े की होती है। तो चाय यहाँ पे हो चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब प्यारा सा कोई भी कप लें और उसके अंदर चाय को डाल दें। तो मैं यहाँ पे चाय डाल रही हूँ
और थोड़ा सा कोशिश करें ऊपर करके डालें। जैसे हम ऊपर करके डालते हैं तो ये इसमें जग बनना स्टार्ट हो जाती है कप के अंदर भी, जो कि लुक वाइज ही बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी चाय जो है वो बनकर तैयार है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। टेस्ट भी इतना ज़्यादा मज़े का बना था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। और अक्सर ये होता है कि हम चाय जो है कप में डाल रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी ट्रे में गिर जाती है या कप के साथ लग जाती है, तो इसको जल्दी से साफ़ कर दिया करें, वरना अगर आपकी मामा ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी। और कभी भी किसी और के सामने तो ऐसे बिल्कुल मत लेके जाइएगा, ये बहुत ही बिस्ती वाली बात है, इसको हमेशा साफ़ करके लेके जाइएगा। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही होगी और बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा और बहुत कुछ आपको पता भी होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में हमने जो शामी कबाब बनाए थे वो भी चाय के साथ सर्व कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में भी एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और ये बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।